नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको झटपट बनने वाला ओट्स मैंगो फिरनी बनाना बता रही हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना ओट्स मैंगो फिरनी बनाना। चार बड़े चम्मच के करीब मैंने ओट्स ले लिया, ये नॉर्मल ओट्स है। इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फिरनी हम चावल से बनाते हैं, लेकिन आज जो फिरनी मैं बनाना बता रही हूँ वो आपको हेल्दी वर्जन है उसका, ओट्स से बनाना बता रही हूँ। यहाँ ये देखिए, ओट्स को हमने हल्का सा भून लिया है। अब इसे एक बाउल में खला लेते हैं और ठंडा करके इसे पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए फ्राई पैन में थोड़ा पानी लिया है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इसमें दूध डालेंगे तो वो इसके तले में नहीं चिपकेगा। और यहाँ लगभग मैंने हाफ लीटर फुल फैट क्रीम दूध लिया है, आप चाहें तो टोंड भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारे ये बॉईल हो रहा है मैं ओट्स को पीस लेती हूँ अपने। तो ये देखिए हमने ओट्स को मैंने पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, इसे थोड़ा सा दरदरा पीसा है। अब इस दूध में हम जो है ये ओट्स मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ये सेम प्रोसेस है जैसे हम चावल की फिरनी बनाते हैं, चावल को पीस के फिर हम दूध में मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैंने चावल के बदले में ओट्स डाला है और ओट्स को इसमें मिक्स करा है। इसमें जो ये लम्स पड़े हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लें, धीरे धीरे अपने आप इसमें घुल जाएंगे और ठीक हो जाएगा। ये दो बड़े चम्मच जो है चीनी डाल रही हूँ। ये चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें, क्योंकि हम मैंगो फिरनी बना रहे हैं तो आम भी मीठा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी अभी थोड़ा सा कम डाला है। अगर आपका आम खट्टा हो तो आप चीनी इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। अब इसे थोड़ा देर पकने देते हैं। तो ये देखिए हमने 5 मिनट ही अपनी फिरनी को पकाया था और ये तैयार हो गया रेडी। अब मैं यहाँ गैस की फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हम इसमें मैंगो प्यूरी को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी फिरनी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें मैंगो पल्प ये मैंने बना के रखा था, तो लगभग यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 चम्मच इसमें मैंगो प्यूरी मिक्स किया है। अब यहाँ पर हम ये जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, किशमिश और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ले लें और इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ओट्स की फिरनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट से किया, अगर आपके पास मैंगो के पीसेस भी हो तो आप उससे भी इसको डालकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा लगभग 10 मिनट में जो है ओट्स मैंगो फिरनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी मैंगो ओट्स फिरनी कैसे बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको ये मैंगो फिरनी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।